चतुर्वेदी जी, जिला प्रभारी अनिल चौधरी जी, चेयरमैन प्रेम सिंह शाके जी, ममता राजपूत जी, अशोक चौहान जी, शिवदत्त भदौरिया जी, प्रदीप सिंह चौहान जी, प्रमोद गुप्ता जी, राघवेंद्र शाके जी, प्रदीप तिवारी जी, भूपेंद्र यादव जी, विशाल वाल्मीकि जी और उपस्थित वो सभी कार्यकर्ता बंधुओं, जिनके कंधों पर आने वाले चुनाव का पूरी भूमिका है और आप वो रणवाकरे हैं जिनके ऊपर पूरी पार्टी विश्वास करती है कि चुनाव हम जीतेंगे। अभी ब्रज बहादुर जी ने आपको जो कुछ कहा उसका एक सेंटेंस में एक्सट्रैक्ट यदि निकाल कर दूं तो मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। अगर आप मन से ही टूटे मन से चुनाव की रणभेरी में उतरेंगे तो मुश्किल होगा और पूरे उत्साह के साथ जीतने के जरूर से उतरेंगे तो चुनाव दूसरा होगा, परिणाम दूसरा होगा। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। हम चुनाव जीतेंगे, मैं आपको बताकर जा रहा हूं, जा ही नहीं रहा हूं, लौट लौट के आऊंगा। और कैसे जीतेंगे, ये मंच बैठा हुआ है, ये रणनीति बनाएगा, नीचे धरातल पर आप लोग की सेना उतारेगी, चुनाव परिणाम ऐतिहासिक होगा, होगा और होगा। फिजा बदलती है, लोग आत्मविश्वास में रहते हैं, मुंह की खाएंगे, हमको उसमें रास्ता निकालना है। ये नहीं सोचना है कि कुछ अपेक्षित परिणाम उत्तर प्रदेश में नहीं आए। आज भी सबसे बड़ी पार्टी यदि पूरे हिंदुस्तान में कोई आई, सरकार बनाई, वो भारतीय जनता पार्टी है। अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं आए, उन्होंने एक भ्रम फैलाया। उस भ्रम में जो राष्ट्रवाद की ओर चुनाव जा रहा था वो संकीर्णता में सिकुड़ता चला गया, सिकुड़ता चला गया और चुनाव परिणाम हमारे हिसाब से अपेक्षित नहीं हुए। लेकिन हम कार्यकर्ताओं को आत्मचिंतन भी करना है, जहां रणनीति बनानी है, काम की योजना बनानी है, पिछली समीक्षा करनी है तो समीक्षा सिर्फ यो नहीं होगी, समीक्षा यो भी होगी, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि भ्रम फैलाने में कैसे सफल हो गए वो लोग। ध्यान करिए, एक बार एक विषय आया था, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय हुआ था आरक्षण पर, भारतीय जनता पार्टी उससे भले सहमत नहीं होगी लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, उसके विरोध में किस तरीके से रातों रात न जाने कैसे योजना बनी होगी कि पूरे हिंदुस्तान में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में सुबह 10 बजे तक जिला के मुख्यालयों पर कब्जा हो गया था। कैसे योजना बन गई इतनी बड़ी, कहां हमारे कार्यकर्ता सोते रह गए, क्यों नहीं उनको मालूम पड़ा, क्यों आईबीएफ इंटेलिजेंस फेल हो गई, ये आत्मचिंतन के विषय। कैसे ये लोग इतना भ्रम फैलाने में सफल हो गए कि आरक्षण हट जाएगा, संविधान बदल जाएगा। कौन वो लोग थे जो रातों रात गली बस्ती कूचों में जाकर ये बात फैलाते रहे और उनके दिमाग में उड़ेलते रहे। हम उसमें कहां सफल नहीं हुए या कहां असफल हो गए, यह सोचने का विषय, आत्मचिंतन का विषय। चौराहों पर हम जीत रहे थे लेकिन चौकटों पर हार गए, यह देखना होगा। चौकटों पर कौन पहुंच गया,
चूलों पे कौन पहुंच गया, चौके में कौन घुस गया। चौराहों पर तो 400 पार हो रहा था, लेकिन वहां पर कैसे ये परिवर्तन आया, वो कौन सी शक्तियां थी, उनका हम कैसे चुनौती करेंगे, चुनौती का सामना करेंगे, ये आत्मचिंतन का विषय हम लोगों का है। और उससे पार पाने के लिए हमको आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, योजनाएं बनानी पड़ेगी। योजना बनाना नहीं, क्रियान्वयन करना भी होगा। शिवाजी बनना होगा, शिवाजी से बड़ा योजनाकार कोई नहीं हुआ। और योजनाकार तो हो सकते हैं, कोई बहुत से हो सकते हैं, लेकिन योजना को क्रियान्वयन कर ले जाने की क्षमता जो शिवाजी महाराज में थी, वो हमको अपने अंदर पैदा करनी होगी। तो एक तो ये कि उनके को क्या कैसे ठटाक पैसे आएंगे, टकाटक टकाटक जो गा रहा था वो, और लोगों को पर्चे बट रहे थे कि आपके पास पैसे आएंगे। कितने लोगों ने हम में से ये कहा गली गली पूछे पूछे जाकर, आज टकाटक वो छीन रहा है जनता से। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, कर्नाटक में पेट्रोल के दाम बढ़े या उनकी सरकार है, कर्नाटक में डीजल के दाम बढ़े या उनकी सरकार है, कर्नाटक में गैस के दाम बढ़े, टकाटक टका छीन लिया जनता से पैसा अपनी जेब में, ये किया। कितने लोगों ने प्रचार किया, हमको उनकी कमियों पर चोट करनी चाहिए। और चोट सिर्फ चौराहों पर नहीं, आपस में नहीं, गली गली पूछे पूछे घर घर चौखट चूल्हे तक जाकर करनी होगी। ये व्यवस्था बनानी है, तब चुनाव के परिणाम होंगे और होंगे हमारे अनुकूल। लेकिन फैलना होगा, हमारी पार्टी लोकतंत्रवादी है, और ये वो पार्टी है जहां चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हमने दिखा दिया, लोकतंत्र हमारे यहां है और किसी के नहीं। वह परिवारवाद है जो समाचार आ रहा है अपुष्ट कि वहां से शायद तेजू यादव चुनाव लड़ाएंगे। वो लोग यादवों में जाइए, आप लोग अपने यादव कार्यकर्ता या यादव जो आपके इष्ट मित्र गांव को सबसे बात करिए, उनके अंदर असंतोष पैदा करना होगा। है मुझे मालूम है, जानकारी है कि वहां संतोष हो रहा है कि क्या एक ही परिवार रह गया है। हम सब यहां पर नेतागिरी करते हैं, राजनीति करते हैं, सेवा करते हैं, या जो भी करते हैं, क्या आलू छीलने के लिए करते हैं? पूछिए उन लोगों से, काय के लिए सिर्फ एक ही परिवार के पास सब चीजें पहुंचेंगी? जब तक इस परिवार को हराओगे नहीं, तुमको नेतृत्व मिलेगा नहीं, यह समझाना होगा उनको, क्योंकि वो तो बेफिक्र है, अपने घर के खंभे को लड़ा देंगे तो भी जीतेगा, उन्हें ये मालूम है। वो उनको एहसास कराने के लिए यादवों में जागृति लानी होगी। तो आप लोग तैयार रहिए, वरना तुम यही सेवा करते रहना, इन्हीं की गुलामी करते रहना, नेतृत्व तो तुमको कभी नहीं मिलेगा। ऊंचे नेतृत्व तो छोड़िए, एक इलाके के MLA भी नहीं बन पाओगे। तो रणनीति, चुनाव में रणनीति जीतती है। मैं कई बार कहता हूं, पार्टी प्लस पर्सनैलिटी इज इक्वल टू विक्ट्री। पार्टी और पर्सनैलिटी, हमारे पर व्यक्तित्व तो है, हम पे मोदी है, हम पे योगी है कोई उनके पास स्तर का नेता तो बताओ। पार्टी हम पे है, ऐसे कार्यकर्ता है, तो क्यों नहीं जीतेंगे हम, कहां प्रशिक्षण लगता है, ये हमको तय करना होगा। हम उस ओर जाएंगे, गली गली जाना चाहिए, पूछे पूछे जाना चाहिए, व्यक्ति व्यक्ति से मिलना चाहिए। लक्ष्य बना लीजिए, चौराहों पर चर्चा, चौखट पर दस्तक, और चौके चूल्हे तक घुसपैठ। चुनाव परिणाम आपके अनुकूल होगा, निश्चित मान लीजिए। लेकिन ये सब योजना से करना होगा। वो कैसे योजना से घुस गए, कैसे टकाटक उनका
आम जनता में चला गया। अब वो घूम रही हैं औरतें वो लेकर उनका रुका कि कहाँ पैसे मिलेंगे भाई हमको, ये बताइए लोगों को। वो भ्रम फैला सकते हैं, हम हकीकत नहीं बता सकते, ये सब बताना होगा। प्रशासन की फिक्र छोड़ दीजिए, बात को प्रशासन से निपटना हम जानते हैं। ये मंच बैठा है आपका, तीन तीन मंत्री लगाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रशासन की कोई कोताही हो तो आप बताइए हमको। प्रशासन को दोष करना हम जानते हैं अच्छी तरह, और होगा वो, ऐसी बात नहीं है कि निराशा हो। और योजना बनती है तो चुनाव जीता जाता है, ये भूल जाइए कि वहां 1,10,000 के करीब यादव होते, नॉन यादव कितना है ये देखिए ना, और यादवों को समझाइए। मैं जहां से चुनाव लड़ता हूं आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र, मुझसे पहले तो मुसलमान जीत के आए थे वहां पर। सबसे खतरनाक सीट है आगरा में भारतीय जनता पार्टी के लिए, 1,00,000 मुसलमान, 50,000 जाटव, 10,000 यादव और 10,000 जाट मान लीजिए आज अपने साथ है, लेकिन उस समय आरएलडी अपने साथ नहीं थी। टोटल 4,00,000 वोट, इतने में तो चुनाव लड़ना ही नहीं, मुसलमान जीतता रहा था। रणनीति बनाई, कार्यकर्ताओं ने उसे अंजाम दिया। पहला चुनाव कार्यकर्ता ने मुझे 25,000 से जिताया, दूसरा चुनाव 50,000 से जिताया, और तीसरा चुनाव कार्यकर्ता को 57,000 से जिताया। ये कार्यकर्ता की शक्ति है, रणनीति की शक्ति है। तो घबराइए मत, ये मंच रणनीति बनाएगा, भूम जमीन तक उतारना आपका काम है। निश्चित रूप से चुनाव में विजय होंगे, हम आपके साथ हैं। कोई परेशानी हो मेरा फोन नंबर लिख लीजिए आप लोग, 9419216066। एक ये नंबर है, इसमें व्हाट्सएप होती है, और दूसरा है 8765954787। अब ये मंच करहल के लिए समर्पित है, करहल के कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है। रणनीति बनाएंगे, जमीन तक आप उतारेंगे, उसको उतारने में कोई परेशानी हो तो आप चिंता मत करिए, नंबर है, हम सब मंच आपके साथ है, निश्चित विजय की ओर बढ़ेंगे, ये विश्वास लेके चलेंगे। धन्यवाद।